तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज फिर से एक नया वाला वीडियो लेके आ चुका हूँ और इस वाले वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जो अभी अभी एक ऐसा न्यू न्यूज आया है ना, ये न्यूज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो न्यूज है ये आपको जरूर से बताना चाहिए। तो अभी जो एक न्यू न्यूज सामने आया है, तो इसी न्यूज के अकॉर्डिंग जो हीरो कंपनी है तो उनके साथ ताइवान के ही एक कंपनी जिसका नाम है गोगोरो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, तो इन दोनों का अभी पार्टनरशिप हुआ है। तो ये पार्टनरशिप के चलते ये जो गोगोरो कंपनी का जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो वो अभी इंडिया में लाने वाला है हीरो कंपनी। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, इसी वीडियो के अंदर आपको लगभग सारा ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसी पार्टनरशिप और इसी कुछ व्हीकल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो अभी अभी जो एक न्यू न्यूज आया है ना, तो ये न्यूज देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो न्यूज है ये न्यूज आपको जरूर से बताना चाहिए। तो इसी वजह से ये वीडियो आज मेरे तरफ से आप सभी लोगों के लिए। तो अभी अभी जो एक न्यू न्यूज आया है, तो इसी न्यूज के अकॉर्डिंग जो हीरो कंपनी है इनके साथ एक न्यू कंपनी का पार्टनरशिप हो गया। तो ये जो न्यू कंपनी है तो इसका नाम है गोगोरो, जो की है एक ताइवान का कंपनी। तो ये जो गोगोरो कंपनी है इनके साथ आज से कुछ ही महीनों पहले ही जो हीरो कंपनी है इनका एक पार्टनरशिप हो गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही बारे में। तो अभी जितना भी इन्फॉर्मेशन आया है इसी न्यू पार्टनरशिप के ही रिलेटेड, तो उसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो गोगोरो कंपनी है इनके साथ जो हीरो कंपनी का पार्टनरशिप हुआ, तो इसी पार्टनरशिप का मेन मुद्दा तो यही है कि हीरो कंपनी का जितने दिनों तक पार्टनरशिप हुआ है गोगोरो कंपनी के साथ, तो उतने दिनों तक गोगोरो कंपनी का जो इलेक्ट्रिक वाला जो जितने भी राइट्स है, तो वो सारा का सारा राइट्स तो नहीं लेकिन लगभग राइट्स का ओनर रहने वाला है हीरो कंपनी। मतलब ये टेम्पोरली ही सही, लेकिन हाँ टेम्पोरली तरीके से ही हीरो कंपनी ओनर रहने वाला है इसी गोगोरो कंपनी के ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही राइट्स का। तो ये जो हीरो कंपनी के साथ गोगोरो कंपनी का जो पार्टनरशिप हुआ है, तो ये पार्टनरशिप होने के बाद हीरो कंपनी अपना अलग से सब ब्रांड बनाने वाला है अपने ही इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये जो न्यू सब ब्रांड अभी आने वाला है हीरो कंपनी की तरफ से, तो इसके बारे में अभी तो फिलहाल के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो वो आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा इसी चैनल पर। तो ये जो हीरो कंपनी की तरफ से अपना जो सब ब्रांड न्यू आने वाला है, तो इसका जो मेन फोकस रहने वाला है तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। तो ये जो हीरो कंपनी की तरफ से न्यू उनका ही ब्रांड के साथ जो न्यू स्कूटर्स उनका आने वाला है इलेक्ट्रिक वाला, तो वो स्कूटर 2022 के ही अंदर आ जाएगा इंडियन मार्केट में। तो अभी आप लोग इस वीडियो के अंदर जो स्कूटर को देख रहे हो या फिर जो फोटोज के अंदर जिस स्कूटर को अभी आप लोग देख रहे हो, तो ये वही स्कूटर है गोगोरो का जो इंडिया में आने के बाद एक न्यू नाम से एक जाना जाएगा इंडिया में हीरो के तरफ से। तो अभी तो इसके बारे में उतना खास ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन इस स्कूटर के बारे में एक जो इन्फॉर्मेशन अभी लीक्ड हुआ है तो वो है कि ये जो न्यू हीरो कंपनी की तरफ से जो गोगोरो का स्कूटर आने वाला है इंडियन मार्केट में, तो वही सारे स्कूटर्स के अंदर जो टॉप वेरिएंट होने वाला है तो उसके अंदर 85 किलोमीटर का मतलब माइलेज होने वाला है पर सिंगल चार्जिंग के हिसाब से। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।